कीजिए टेक्नोनिमिस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो हेलो गाइस, मैं रमेश आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ट्रिक्स जो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट ट्रिक्स की तरफ। तो हम सबसे पहले माउस में राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद व्यू में जाएंगे। अब यहाँ से आप अपने 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले हमको लार्ज आइकन, मीडियम आइकन और स्मॉल आइकन। मैंने पहले से स्मॉल आइकन चूज़ कर रखा है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसके आइकन की साइज़ बढ़ा सकता हूँ। मीडियम आइकन कर दिया है, व्यू में जाके आप लार्ज आइकन भी कर सकते हैं। तो इतने बड़े आपके आइकन हो जाएंगे। अब वापस व्यू में जाके स्मॉल आइकन भी कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपने ये इस तरह से यहाँ पे ये वाला यहाँ पे ऐसे 2-4 अलग कर रखे हैं तो आपको अगर इसको अरेंज करने में प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे आइकन हैं आपके, मेरे तो कुछ ही हैं, आपके बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर आपको अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप राइट क्लिक करके व्यू में जाके यहाँ से ऑटो अरेंज आइकन यूज़ कर सकते हैं। तो ये आइकन आपके ऑटो अरेंज हो जाएंगे। अब यहाँ से आप इनको शॉर्ट भी कर सकते हैं और साइज के हिसाब से इनको शॉर्ट भी कर सकते हैं। और फिर शॉर्ट बाय में आइटम्स टाइप के बाद आइटम टाइप से भी आप कर सकते हैं। और अब यहाँ से शॉर्ट में वापस जाके डेट मॉडिफाइड भी शॉर्ट कर सकते हैं। और वापस करना चाहे तो नेम के हिसाब से वापस कर सकते हैं। वापस कर दूंगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे 3rd ट्रिक्स की तरफ। तो अब हमको करना है, स्टार्ट को खोलना है, इसमें हमको लिखना है OSK। मैं लिख देता हूँ, अब एंटर कर देना डायरेक्टली। अब हमारे सामने खुल जाएगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो इसको कहते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अगर आपको माउस से लिखना हो तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यानी OSK से लिख सकते हैं। ये आपके बहुत काम आता है। अगर आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड कभी भी ख़राब हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 3rd ट्रिक्स की तरफ। तो अब मैं आपको 3rd ट्रिक्स में बताने वाला हूँ कि आप किसी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट कैसे बना सकते हैं। तो शॉर्टकट बनाने के लिए हमको क्या करना है, जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर लेना है, जैसे मैं ले लेता हूँ फोटोशॉप। फोटोशॉप को मैंने ओपन कर लिया है, अब मैं कर लेता हूँ इसको। राइट क्लिक करना है, ओपन नहीं करना है नीचे। फिर अब प्रॉपर्टीज़ में जाना है, प्रॉपर्टीज़ को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर मेरा शॉर्टकट लिख रखा है क्योंकि मैंने पहले ही बना रखा है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि आपको मैं बताता हूँ कि कैसा दिखेगा आपको। अब राइट क्लिक करके मेरे प्रॉपर्टीज़, अब आपको दिख रहा है ऐसा दिखेगा आपको। नन लिखा होगा शॉर्टकट की के आगे, शॉर्टकट की के आगे नन लिखने की जगह से अब इसको क्लिक करना है आपको। जैसे ही आपने क्लिक करेंगे अब आपको कंट्रोल एल्ट को परमानेंटली यूज़ करना पड़ेगा। ये 2 ऑप्शन आपको यूज़ ही करने होते हैं। आगे का जो आपको लिखना है वो आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट या नंबर आप यूज़ करना चाहें। तो मैं एक अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ बी, जो मैंने लिख दिया। अब मैं ओके कर दूंगा, मेरे को डायरेक्टली ओके कर देना है। अब ये हो गया है। अब मैंने फोटोशॉप नीचे खोल रखा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, अब मैंने फ्रेश कर दिया। अब मैं कंट्रोल एल्ट बी जैसे ही दबाऊँगा ये फोटोशॉप सॉफ्टवेयर जो है मेरा खुलने लग जाएगा। तो मैं फोटोशॉप में कंट्रोल एल्ट बी दबा दिया है, देख सकते हैं अब ये सॉफ्टवेयर खुल गया, मैंने इसको बंद कर दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट और फाइनल 5th ट्रिक की तरफ। तो इस ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे मैंने कोई भी फोल्डर खोल रखा है, जैसे मैं कोई भी फोल्डर खोल लेता हूँ रैंडमली, कंप्यूटर खोल लेता हूँ ये वाला। अब मैंने जैसे इसको खोल रखा है, अब मेरे को किसी और फोल्डर में स्विच करना है।
मैं एक और कोई फोल्डर खोल लेता हूँ, जैसे स्टार खोल लिया मैंने, स्टार खोल लिया। अब मेरे को जैसे कोई और फोल्डर में स्विच करना है, तो मेरे को क्या करना है, सिंपली बस मेरे को एल टैब प्रेस करना है और मेरे को जोन से फोल्डर में जाना है वो मैं जा सकता हूँ। तो बस आपको क्या करना है, एल टैब प्रेस करके आपको जो भी फोल्डर में जाना है वो आप जा सकते हैं। और छोटा सा मिनिमाइज यहाँ पे आपको दिखेगा भी कि आपको कौन से फोल्डर में जाना है, तो ये वाले में, ये वाले में, ये वाले में, ये वाले में, और यहाँ पे डेस्कटॉप भी आ जाता है। ओके थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, बस मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?